बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम हदूप की ऑटो इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी हदूप की मैनुअल इंस्टॉलेशन को कवर कर चुके हैं, लेकिन उस लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन में जाके काफ़ी तंग करता है, क्योंकि लिनक्स जो है वो एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे एक ज़रा सी भी इवन केस की भी गलती जो है वो बसा औकात आपकी इंस्टॉलेशन के अंदर इशू का सबब बनती है। और इसकी वजह से फिर मैंने एक लिनक्स का शेल स्क्रिप्ट डिज़ाइन किया कि जिसको चलाने से होता यह है कि आपकी लिनक्स की मशीन के ऊपर ऑटोमेटिकली मुकम्मल हदूप की इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हम उसी ऑटोमेटिक हदूप की इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन को रिव्यू करेंगे। इस सेशन के लिए जो लिनक्स यूज़ की जा रही है वो है यूबंटू 20.04 LTS, और हदूप का जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है जो कि 3.2.2 है, उसको आज हम इंस्टॉल करेंगे यूबंटू 20.04 LTS के ऊपर। अलबत्त स्क्रिप्ट इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि ये इंशाल्लाह आने वाले और पुराने हदूप के वर्जन्स के ऊपर बिल्कुल एक ही तरह से इंशाल्लाह काम करता रहेगा। तो चलते हैं, आज का जो सीक्वेंस होगी वो हम सबसे पहले तो लिनक्स की इंस्टॉलेशन के हवाले से कुछ रिव्यू करेंगे जस्ट थोड़ा सा, और उसके बाद हम हदूप की ऑटो इंस्टॉलेशन को पहले रिव्यू कर लेंगे और देन उसको प्रैक्टिकली देख लेंगे और एंड में इसको वेरीफाई करेंगे कि वाकई वो हमारा हदूप का जो डेमन्स हैं वो प्रॉपरली रन कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हदूप जो है वो बिग डेटा एनालिसिस के लिए एक बड़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है जो कि अपाची डेवलप की और ऑफर की है, और अभी हम जो इंस्टॉलेशन देखेंगे वो इसकी सिंगल नोड मोड के अंदर जो इंस्टॉलेशन होती है उसको हम लेके गो थ्रू करेंगे। तो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास ईदर वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में या आपकी मेन मशीन के ऊपर लिनक्स इंस्टॉल होनी चाहिए। तो इस हवाले से ऑलरेडी जो हमारा यूट्यूब का चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे नजर भी आ रहा है youtube.com/khawajkhan, यहाँ पे जाके जब आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये दो अदद वीडियोस जिनका सामने स्क्रीन के ऊपर रेफरेंस और लिंक दिया हुआ है, इनमें से जो पहला सेक्शन है वहाँ पे आपको वर्चुअलाइजेशन के हवाले से थोड़ा सा आइडिया दिया गया है वो लोग जिनको नहीं है, और देन फिर वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए आपको वर्चुअल बॉक्स की कम्प्लीट इंस्टॉलेशन को हैंड्स ऑन गो थ्रू करवाया गया। और उसके बाद सेकेंड सेक्शन जो है स्क्रीन का, उसमें जो वीडियो नजर आ रही है जिसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिनक्स को उस वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अलबत्ता आज की एक्टिविटी के लिए आपके पास लिनक्स होनी चाहिए, चाहे वो वर्चुअल मशीन में हो चाहे वो आपकी मेन मशीन पे इंस्टॉल हो गई हो। तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम हदूप को डाउनलोड कर लेंगे hadoop.apache.org के लिंक से, ठीक है। इसके लिए आप ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं और wget की कमांड भी, और जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है वो आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसको अपनी लिनक्स के अंदर किसी फोल्डर में कॉपी कर दें, ठीक है। उसके बाद उसी फोल्डर में आप ये जो स्क्रिप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये स्क्रिप्ट जो है आपको github.com/khawajkhan के ऊपर अवेलेबल भी है, इसका लिंक आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, यहाँ से आप ये लिनक्स का शेल स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट जो एक्चुअली आपकी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करेगा। उसके बाद आपने ये इंश्योर करना है कि आपके उस फोल्डर में जिस जहाँ से आप इंस्टॉलेशन का आगाज करने लगे हैं सिर्फ दो ही फाइल्स हों, एक तो ये जो शेल स्क्रिप्ट है जिसका नाम की fshadoop.sh होगा, और अपाची का वो जो आपने डाउनलोड किया है हदूप का जो वर्जन जिसकी tar.gz फाइल होगी। अभी करंटली जो है वो हदूप 3.2.2.tar.gz नाम की फाइल है, तो अगर आप इन फ्यूचर ये वीडियो देखें और उस वक्त तक इसका वेरिएंट चेंज हो के 3.3 आ जाता है या 3.2.3 आ जाता है या जो भी आ जाता है, तो वो फाइल
तो आपने ये इंश्योर करना है कि आपके उस फोल्डर में जहाँ से आप इस इंस्टॉलेशन को रन कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ ये दो फाइल्स अवेलेबल हों, kfs-hadoop.sh और अपाची का जो इंस्टॉलेशन वाली फाइल है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो यह फाइल आपकी जो लिनक्स की जो स्क्रिप्ट वाली फाइल है मेरी, ये चूंकि वहाँ से डाउनलोड हुई होगी तो इसको आपने सबसे पहले ये नीचे दी गई कमांड chmod777kfs-hadoop.sh ये कमांड देने से आप इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन एग्जीक्यूटेबल राइट से देंगे। ठीक है, ये कमांड आना होने के बाद अब आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कमांड आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है sudo /kfs-hadoop.sh, ये बेसिकली हम उस एग्जी को रन कर रहे हैं। ठीक है, उस जिस तरह हम विंडोज में एग्जी रन करते हैं उस तरह से इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं कि ये कमांड रन हो जाए। ये स्क्रिप्ट अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा हडूप की। ठीक है, और उसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन भी करके कंप्लीट आपको देगा, और एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट आपके पास ये एक नया यूजर क्रिएट कर देगा, एच यूजर, इसका पासवर्ड भी होगा एच यूजर। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन आपके पास एक मुकम्मल उस बॉक्स पे हडूप इंस्टॉल फॉर्म में आपको मिल जाएगी, कॉन्फ़िगर्ड फॉर्म में मिल जाएगी, और उसको रन करने के लिए जो यूजर इस्तेमाल होगा वो आपका यूजर नेम भी एच यूजर है और पासवर्ड भी उसका एच यूजर होगा। तो उसके बाद आपने ये चार कमांड्स होती हैं जो कि यूजली आप यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप /htfs-namenode-format यूज करते हैं जिससे फॉर्मेट हो जाता है स्क्रिप्ट आपका, ये वाला काम कर देगा। उसके बाद फिर आप हडूप की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जो कि सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, होम फोल्डर के अंदर, एच यूजर के अंदर, हडूप के अंदर, hadoop-3.2.2 के अंदर, एसमिन की डायरेक्टरी है, वहां पे फाइल होती है start-dfs.sh। ये और स्टार्ट यार्न, ये दो फाइल इस्तेमाल होती हैं इसके डेटा नोड, नेम नोड और हडूप के जो मेन डेमन है इसको चलाने के लिए। और एंड में जीपीएस जब हम कमांड इशू करते हैं तो हमें दिखा देता है कि इस वक्त कौन कौन से डेमन रन हो रहे हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए होती हैं। तो इनिशियली जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो ये वाली कमांड्स भी आपको ये जो हडूप का ऑटोमेटिक इंस्टॉलर है ये रन कर देगा, और एंड में फिर आपने सिंपल स्क्रिप्ट रन करने के बाद एंड में आपने वेरीफाई करना होगा ये तीन URLs अपने ब्राउजर में खोलकर। आप देखेंगे ग्राफिकली कि आपका वो जो इंस्टॉलेशन है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, और ये हडूप जो है वो अब चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है जी, तो हम चलते हैं अपनी लिनक्स मशीन की तरफ और हम प्रैक्टिकली अब इस सारे प्रोसेस से गुजर के देखते हैं। तो जनाब ये है हमारी लिनक्स की मशीन, यहां हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब चाहें तो आप यहाँ पे ब्राउजर खोलकर और यहाँ से आप ये जो हडूप का जो मैंने आपको बताया था कि hadoop.apache.com को विजिट करें और वहाँ जाके हडूप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, मैंने ये किया कि मैंने वो हडूप को ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया, बिकॉज ये तकरीबन 400 MB का सॉफ्टवेयर है तो ज़ाहिर है इसको डाउनलोड करने में फिर टाइम लग जाना था, तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था और मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपल ब्राउजर खोलेंगे, hadoop.apache.com पे जाएंगे और वहाँ जाके आप जो भी लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन ऑफ द हडूप है उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गया, और उसके बाद अब हम यहाँ पे टर्मिनल खोल लेते हैं। ठीक है, हमने लिनक्स का टर्मिनल खोल लिया कमांड लाइन, और मैं यहाँ इसका साइज भी थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। तो यहाँ पे हम ls करके देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त इस फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये जो हडूप का जो इंस्टॉलर फाइल है tar.gz ये अवेलेबल थी।
ठीक है, अब अगला काम हमने ये करना था कि हमने अपनी वो जो स्क्रिप्ट की फाइल थी उसको नेट से डाउनलोड करना था। ठीक है, तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप सिंपल यहाँ पे ब्राउजर खोल लें, के ब्राउजर खोलने के बाद आप विजिट करेंगे github.com/khwajagan khwajagan/hadoop। ठीक है, github.com/khwajagan/hadoop के ऊपर ये स्क्रिप्ट अवेलेबल है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास तीन फाइल्स हैं, kfs hadoop.sh है, readme है और लाइसेंस फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे यही सेम प्रोसेस भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये यहाँ से डायरेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से ये कमांड कॉपी wget की और टर्मिनल पे आके आपने कर लिया पेस्ट wget https://github.com/khwajagan/hadoop/raw/main/kfs-hadoop.sh। ठीक है, तो ये लिंक है वहां पे अवेलेबल है। तो ये देखें ये फाइल यहाँ पे सेव हो गई। तो हम ls करते हैं, तो ये देखें हमारे पास अब दो फाइल्स आ गई। सॉरी मैं क्लियर स्क्रीन कर दूं, तो ये देखें हमारे पास अब दो फाइल्स हैं, एक हदूप का इंस्टॉलर है और दूसरी kfs-hadoop.sh है। ठीक है, और जिस तरह की हमने पीडीएफ में मेथड दिया हुआ था, सेम मेथड यहाँ भी अवेलेबल है आप के पास github.com/khwajagan/hadoop। ठीक है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। उसके बाद हमने chmod की कमांड देनी है और इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है। हम चलते हैं अपने टर्मिनल विंडो में, यहाँ पे हम कहते हैं chmod777kfs-hadoop.sh। ठीक है, तो कमांड एग्जीक्यूट होगी। अब हम ls करेंगे तो देखें अब दोनों का कलर ग्रीन हो गया, पहले इस kfs-hadoop.sh का कलर वाइट सा था, ग्रीन हो गया। ग्रीन फाइल शो करती है कि इस फाइल को आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा काम हो गया, सो कहते हैं क्लियर। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम स्क्रीन का साइज छोटा कर लें, ठीक है, ताकि हम स्क्रिप्ट प्रिंट करने लगे हैं तो उसकी आउटपुट आपको आसानी नजर आ सके। तो अब हम चलाएंगे स्क्रिप्ट को। देखिए हमने इंश्योर किया पहले कि इस फोल्डर में हमारे पास सिर्फ दो फाइल्स हैं, एक kfs-hadoop.sh और एक वो जो हदूप की इंस्टॉलेशन फाइल है। तो अब हम कमांड इशू करेंगे sudo /kfs-hadoop.sh। ठीक है, sudo की वजह से ये जो जिस यूजर से हमने लॉगिन किया हुआ है उस यूजर का पासवर्ड मांग रहा है। और देखिए इंस्टॉलिंग हदूप इन लिनक्स ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, स्टेप वन कम्प्लीट हुआ। उसके बाद ये सेकंड स्टेप पे ये कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह जो उसके पीरियक्स हैं हदूप के उन पे काम कर रहे हैं और ये ग्रेजुअली इन पीरियक्स को वन बाय वन इंस्टॉल करता जा रहा है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस स्क्रिप्ट की ब्यूटी ये है कि आपको ऑल टुगेदर इंस्टॉलेशन प्लस कॉन्फ़िगरेशन दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और सिंपल आपने जब ये sudo और .kfs-hadoop स्टार्ट किया तो उसके बाद ये कंप्लीट इंस्टॉल्ड कॉन्फ़िगर्ड चीज आपको प्रोवाइड करेगा जो कि रन भी हो रही होगी इवन, और अभी हम आपके सामने चला के देखेंगे। तो ये स्क्रिप्ट की जो मेन डिपेंडेंसी है, स्क्रिप्ट तो छोटा सा तकरीबन कोई शायद 10 KB का भी नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की कनेक्शन की स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो इंटरनेट की कनेक्शन की स्पीड को देखते हुए ये 10 मिनट से लेके 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपके इस सिस्टम के ऊपर कम्प्लीटली हदूप का जो वेरिएंट है वो आपको इंस्टॉल भी कर देगा और कॉन्फ़िगर भी कर देगा। ठीक है, अब इसकी मेरे ख्याल में थर्ड डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो रही है और ये कुछ टाइम ले रही है डाउनलोड होने में।
अभी इस लेवल पे हम तकरीबन अपना जो इंस्टॉलेशन वाला पोर्शन है इस स्क्रिप्ट का वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये बिल्कुल हम उसके एंड के ऊपर हैं, और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप रह जाएगा, और वो इतना स्मूथली रन होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके सिस्टम के ऊपर मुकम्मल हदूप की कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये हमारी 85% कंप्लीशन हो गई है। जी तो अब ये मूव ऑन हो रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर या नेक्स्ट फेज ऑफ द इंस्टॉलेशन के ऊपर, और यहाँ पे अब ये कॉन्फ़िगरेशन का एस्पेक्ट जो है हमारा वो स्टार्ट होने लगा। अब तक हम अपने इस हदूप की जो रिक्वायर्ड प्रीरेक्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, और अब उसके बाद हम हदूप के हवाले से जो नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वहाँ पे हैं। यहाँ पे अभी हदूप की मेन इंस्टॉलेशन का जो सेटअप है वो रन हो रहा है। और अगले चंद सेकंड में हमारे पास ये देखें हडूप की मेन फाइल्स जो हैं वो सारी कॉन्फ़िगर हो गई। यहाँ पे ये HDFS नेम नोड माइनस फॉर्मेट कमांड रन हो रही है। देखें इसने नेम नोड को कम्प्लीटली फॉर्मेट करके शट डाउन कर दिया, और अब ये हडूप के डेमन्स स्टार्ट हो रहे हैं, नेम नोड, डेटा नोड, और जो उसका मेन यार्न होता है वो अब रनिंग फेज में। इनकी इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई, कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम हदूप को एक्टिव कर रहे हैं, मतलब हमसे बोला ये जो हमारा स्क्रिप्ट है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन वाला। और ये कंप्लीशन के बाद अगले चंद सेकंड में हमें एक समरी ऑफ द इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद हम वेरीफाई करके देख लेंगे कि हमारे ये सारे डेमन्स जो हैं वो प्रॉपरली रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और हम GUI से अब हदूप को एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो ये देखें जी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई हमारी, हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर ये वापस कंट्रोल आ चुका है, और उसने हमें बताया कि हमने ये लॉगिन यूजर का बना दिया है जो कि यूजर नेम एच यूजर है और पासवर्ड भी उसका एच यूजर है, और ये कमांड है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है इन सब का, ये हमारी पिछली वाली वीडियो में इंस्टॉलेशन की काफी डिटेल से डिस्कस हुई थी। और अब आ गया है ऑप्शन हमारे पास ये नेम नोड, डेटा नोड और हदूप के डेमन को वेरीफाई करने का कि ये वाकई रन हो रहे कि नहीं हो रहे। तो हमने नेम नोड के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन लिंक किया, और देखते हैं कि हमारी नेम नोड रन हो रही है कि नहीं हो रही। तो जी बिल्कुल देखिए हमारी नेम नोड इस वक्त रनिंग फॉर्म में है, ठीक है। और अभी अब हम जाके डेटा नोड की खबर लेते हैं कि डेटा नोड इस वक्त रन हो रही है कि नहीं हो रही। इसको हमने ओपन लिंक किया तो जी बिल्कुल डेटा नोड भी हमारी सक्सेसफुली रन हो रही है। और अब हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा हडूप का जो मेन डेमन है उसका क्या स्टेटस है। तो ये देखिए हमारा हडूप का जो मेन डेमन है ये भी रन हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास नेम नोड, डेटा नोड और हदू का मेन डेमन तीनों सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। तो जनाब ये था हमारा ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन का स्क्रिप्ट जिसके थ्रू हमने अपने इस ब्लैंक सिस्टम के ऊपर लिनक्स के हमने चंद मिनट के अंदर लिनक्स सॉरी हदू
को कॉन्फ़िगर भी कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है, और उसको वेरीफाई भी करके देख लिया कि ये इसके जो तीनों मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, नेम नोड, डाटा नोड और हडूप का जो मेन डेमन है, वो रन भी हो रहे हैं। तो एक बार फिर मैं रिट्रेट करता चलूं कि ये जो प्रोसेस है ये सारे का सारा अवेलेबल है github.com/khwajgang/hadoop पे, और यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको ये, जैसा कि आप देख रहे हैं कि hadoop.sh, ये फाइल भी मिल जाएगी और साथ ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ये भी यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके अलावा ये जो वीडियो है ये आपको अवेलेबल होगी youtube.com/khwajgang के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे इस चैनल को तो उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो के सेक्शन में आ जाइए, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये हमारी हडूप की मैनुअल इंस्टॉलेशन की वीडियो अवेलेबल है, हडूप 3.2.2 इंस्टॉलेशन ऑन लिनक्स, और यहीं पे आपको ये वाली वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी आने वाले कुछ घंटों में। और इस चैनल को आप देखते रहिएगा ताकि इसके हवाले से जो मजीद अपडेटेड वीडियोस आएं वो भी आपको बआसानी मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, आज के सेशन में आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।